श्रद्धा सुमन, परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा व मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस विशेष श्रद्धांजलि सभा में आप कोरोना महामारी के आपदा काल में जैन समाज की दिवंगत भव्य आत्माओं को समर्पित भावभीनी श्रद्धांजलि को देखेंगे और श्रवण करेंगे। श्रद्धा सुमन समर्पण करता, दिगंबर जैन समाज, राणा प्रताप बाग, शक्ति नगर, रूप नगर, बंटा घर, प्रेम नगर, माँ कल्याणी कुंज, स्टेट बैंक कॉलोनी, गुजरावाला टाउन, गुड़ मंडी, कमला नगर, ईश्वर कॉलोनी, सीसी कॉलोनी एवं जैन कॉलोनी, दिल्ली। जय बोलिए संकट हरण श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। भाई पवन गोधा के माध्यम से मैं राणा प्रताप बाग जिन मंदिर के जिनालय से पिछले 2-3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और जैसा कि मुझे भैया जी ने सूचना दी कि हमारे बहुत से अपने हमें छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए हैं, उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन देने के लिए आइए हम, मैं बबीता जैन झांझरी, अपने पूरे परिवार एवं समस्त जैन समाज की ओर से प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी को सद्गति की प्राप्ति हो, और हमारे जो अपने आज अस्पताल में हैं या क्वारंटाइन हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की वेदना है, वे सभी शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएं। महामंत्र नवकार की प्रार्थना के साथ, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वेछायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवेझायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। ऐसो पंच नमो कारो सव्य पाव पणासनो मंगलानंचे सवे सिम परम महवई मंगलम, परम महवई मंगलम। जय महावीर। महानुभव, अंतर्राष्ट्रीय आपदा कोरोना वायरस के रहते हुए आज पूरी धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम बचा हुआ है। प्राणी मात्र अपने बचाव के लिए अनेक उपाय कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुविधाओं के अभाव में व्यक्ति अपने लिए असहाय महसूस करता है। ऐसे क्षणों में मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, चाहता हूँ कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा को प्रकट कर चत्तारी शरणम की भूमिका को अपनाते हुए अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। वीतराग अहंत के चरणों में उपस्थित होके भगवान की आराधना करने वाले व्यक्तियों के लिए धरती पर कोई आपदा नहीं आ सकती है। तथापि किसी विगत कर्म योग के उदय से यदि आपदाएं आती हैं, तो भी हमें उन अहंतों की शरण को नहीं छोड़ना है। मैं देखता हूँ इस व्याधि के रहते हुए जैन रत्न श्री निर्मल सेठ जी, जो कि दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 43 वर्षों से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, अचानक उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। महानुभाव पंडित अजित कुमार शास्त्री, जो कि पंचकरण प्रतिष्ठा और विधि विधान में अग्रणी थे,
उनका जीवन भी अचानक ही धरती की आगोश में समा गया। महानुभव क्या कहूं, जैन रत्न श्री कमलचंद जैन जी कथे वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु भक्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को मुनियों की सेवा में, आरिकाओं की सेवा में लगा करके आदर्श कायम किया। उन्होंने वीरता का परिचय दिया, लेकिन आज वो भी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख है, ऐसे लोगों के धर्म के लिए, समाज के लिए आवश्यकता होती है। मैं ऐसे महान कमल चंद जी का स्मरण करता हूँ और चाहता हूँ उनका परिवार, उनके बच्चे भी धर्म की राह पर चलते रहें। श्रीमती प्रकाशवती देवी जैन जो रूपनगर में रहने वाले हैं, राजीव जैन शीशी कॉलोनी, सुनील जैन शक्ति नगर, दर्शन जैन शक्ति नगर, फकीरचंद जैन शक्ति नगर, संतोष जैन राणा प्रताप, पूनम जैन बेंगलोर रोड, शशि जैन रूपनगर, और क्या कहूँ हमारे परम मुनि भक्त जिनेन्द्र जैन के जवाई श्री आलोक जैन भी इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रहते हुए अपने शरीर को पूर्ण कर गए हैं। क्या क्या आपसे बात करूं, देखता हूं रविंद्र जैन मुखर्जी नगर रहने वाले, भगवान की श्रद्धा पक्की रखने वाले, उषा जैन ईश्वर कॉलोनी में एकला रहने वाली महिला, लेकिन प्रतिदिन देव दर्शन का नियम बखूबी निभा रहे थे। मैं आपसे और भी आगे बात करता हूँ, जैन रत्न श्रीमान राजीव जैन जो गोल्डन टेम्पल रोहिणी के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने छोटे से जीवन में धर्म की शरण लेकर के बहुत ही सुंदर काम किया। गोल्डन टेम्पल में भगवान पार्श्वनाथ की स्थापना की, और क्या कहूँ गुड़गांव कासम में भगवान की स्थापना की, राणा प्रताप में स्थापना की। ऐसे राजीव जैन भी कोरोना के माध्यम से जीवन को पूर्ण किए हैं। अंत में आपसे बताना यह चाहता हूँ कि सुशील जैन की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जैन न्यू रोहतक रोड अपने शरीर को इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा के रहते हुए आज वो धरती पर नहीं है। जैन धर्म का जितना प्रकाश और प्रताप फैलता रहा है उसको कामयाबी देने के लिए मैं आप सबके परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी लोग धर्म की राह पर चलते रहें। धर्म की राह ही, धर्म ही हमारा मित्र है, अधर्मी शत्रु है। इसलिए धर्म का हाथ सहारा न छोड़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। ये समय वास्तव में बहुत ही संवेदनशील है, हमें धर्म के आचरण को नहीं छोड़ना है। नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, अशुभाव विनिवृत्ति सुखे भवित्ति, बुराई से बचकर अच्छाई के पथ पर चलने वाले व्यक्ति ही आज वास्तव में धरती पर स्मृत किए जाएंगे, क्योंकि चरित्र के माध्यम से जीवन चलता है, वही शरणिम होता है। आज आदमी आता है, चला जाता है, कुछ कोरोना वायरस से गए, कुछ हार्ट अटैक से गए, कुछ सामान्य मृत्यु से गए, लेकिन बहुत सारे लोग जैन धर्म के चले गए। ये जैन धर्म की क्षति का दौर चल रहा है, इसको उन्नत करने के लिए आप सबके परिवार धर्म की शरण में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर, जय विद्यासागर, जय बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय, जय बोलो चौबीसों भगवान की जय। बंधुओं, आज की ये श्रद्धांजलि सभा हमारे शक्ति नगर, राणा प्रताप बाग, रूपनगर, घंटाघर, कमला नगर, ईश्वर कॉलोनी, स्टेट बैंक कॉलोनी, राणा प्रताप बाग और मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, जितने भी भाई बहनों को हमने खोया है, हम पर्सनली उनके घर पे नहीं जा सके, उनको सांत्वना नहीं दे सके, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनके परिवारों के लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए हम एक सभा का आयोजन पारस चैनल के माध्यम से करें। इसीलिए आज की ये सभा हमने रखी है। हमारे 15 परिवार इस
कोरोना काल में, इस महामारी में, इस बीमारी से व अन्य बीमारियों से चले गए, मैं उन सभी के लिए भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी को उचित स्थान दे करके अपने चरणों में जगह देवें और उनकी आत्मा को शांति देवें, वह परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। इस बीच में हमारे परिवारों से श्रीमान कमलचंद जी जैन कत्थेवाला परिवार सीसी कॉलोनी, जिन्हें हम यहाँ का भामाशाह कहते थे, दानवीर कहते थे, एक ऐसा परिवार जो हमारे मंदिर से, शक्तिनगर मंदिर जी से, संसार के सभी मंदिरों से, माता जी से, उपाध्याय गुप्ती सागर जी से इतना जुड़ाव उनका हुआ था कि 7 दिन में एक बार जब चतुर्मास हुआ तो उनके पास 1 घंटा जरूर बैठते थे। ऐसे हमारे श्रीमान कमलचंद जी कत्थे वाले जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके बाद में श्रीमती उषा जी जैन 10A/24 शक्ति नगर, जो कि हमारे बीच में नहीं रही, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती प्रकाशवती जैन 4/33 रूपनगर, जो कि हमारे श्रीमान सुरेश जी, नरेश जी की माता जी हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमान डॉक्टर राजीव जी जैन सीसी कॉलोनी, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्री सुनील जी जैन 10A/27 शक्ति नगर, जिन्हें हम 11 नंबर चौके वालों के नाम से बोलते थे, एक ऐसा संगठित परिवार जो इस कोरोना काल में, इस कोरोना जैसी महामारी में बिखेर दिया, ऐसे परिवार के लिए भी हम ये श्रद्धांजलि देते हैं। और भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि भाई अजय जी, उनके पुत्रों को, उनके परिवार को ये शक्ति दे कि इस दुख को सहन करने की क्षमता उन्हें प्रदान करें। श्रीमती दर्शन बालाजी, श्रीमती दर्शन जैन 13/14 शक्ति नगर, ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की, जब मैं मंदिर रोज जाता था वो सुबह मुझे रोज मिलती थी, भैया जय जिनेंद्र, भैया ठीक हो, माताजी ठीक है, ऐसी माताजी हमारे बीच में नहीं रही। मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी अपने चरणों में उचित स्थान देवे। श्रीमान फकीर चंद जी जैन 14/37 शक्ति नगर, वो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी अपने चरणों में जगह देवे। श्रीमती संतोष जैन राणा प्रताप बाग, वो भी हमारे बीच में नहीं, उन्हें भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती पूनम जैन बेंगलोर रोड, वो भी हमारे बीच में नहीं रही, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती शशि जैन 3/44 रूपनगर, एक ऐसा परिवार जो संगठित परिवार, और हमारे विनोद जी की मिसेज शशि जी हमारे बीच में बहुत ही कम उम्र में चले गई, भगवान महावीर स्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अपने चरणों में उचित स्थान देवें। बंधुओं, इसी परिवार से श्रीमान सतपाल जी जैन भी हमारे बीच में इस कोरोना काल में ही चले गए, मैं उनके लिए भी भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी अपने चरणों में जगह दे करके और अपना उचित स्थान देवें। श्रीमान आलोक जी जैन मधुबन वाले प्रीत विहार, जो कि हमारे जिनेंद्र कुमार जी के दामाद थे, हमारे कोषाध्यक्ष अमित भाई, रोहित भाई, उनके जीजाजी थे, बहुत ही कम उम्र में हमारी बहन से उनको छीन लिया, इस कोरोना काल में वो नहीं रहे। बंधुओं, क्या क्या बताएं, जो विधि का विधान था वो हुआ, हम भगवान महावीर स्वामी के प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अपने चरणों में जगह दे करके हमारी दीदी को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जिनेंद्र प्रसाद जी जितने को भी ये दुख की घड़ी में अब भगवान उन्हें शक्ति दे। श्रीमान रविंद्र जी जैन मुखर्जी नगर, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, मुखर्जी नगर रहते हुए भी वो रोज़ यहाँ पर, उनकी मिसेज हमारे यहाँ मंदिर में, प्रभा जी संगठन भगवान पार्श्वनाथ से इतना उनका जुड़ाव था, वो रोज़ नित प्रति यहाँ पर दर्शन करने आती थी, उन्हें भी हम भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में उचित स्थान देवें। कल श्रीमान एक और श्रीमान विनय जैन स्वागत बनियान वाले, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें भी हम अपने दिल से, एक ऐसा परिवार जो पूरा परिवार धर्म के वातावरण में है, धर्ममयी है, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री नरेश चंद जी जैन न्यू गुप्ता कॉलोनी, वो भी हमारे बीच में नहीं रही, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम विनती करते हैं कि उन्हें भी अपने चरणों में स्थान देवें। और एक और बहुत ही दुखद घटना, आज श्रीमान अनिल जी जैन SS मेटल परिवार, जो कि आज रात्रि में उनका निधन हो गया, एक ऐसा परिवार, संगठित परिवार, 50 जनों का परिवार,
जिसे इस कोरोना काल ने तित्र बितर कर दिया। भाई अनिल जी को भगवान महावीर स्वामी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में जगह दे करके और उन्हें भी सदगति को प्राप्त करें वो, और सभी समाज उनकी मिसेज भाभी जी को भी इस दुख को, उनके बच्चों को इस दुख को सहन करने की शक्ति, भाई अजय जी को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। और भाई अजय जी से हम यही कहेंगे कि इस दुख की घड़ी में हम सभी इन परिवारों के साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है, हम सभी हमारी जो कमेटियां हैं, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर कमेटी, श्री गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी, धर्म प्रभावना मंच, श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति शक्ति नगर, श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड शक्ति नगर, पुण्य प्रभावना मंच शक्ति नगर, संस्कार महिला मंच शक्ति नगर, त्यागी व्रति शक्ति नगर, जैन जागृति मंच शक्ति नगर, नवयुग मंडल शक्ति नगर, सभी मिलकर के सभी परिवारों को श्रद्धांजलि देते हैं। और भगवान महावीर स्वामी से पूरा समाज यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बीमारी को जल्दी से जल्दी आप ठीक करें, और जितने भी लोग यहाँ पर अभी अस्वस्थ हैं, कोरोना से बीमार हैं, सभी को जल्दी से जल्दी आप ठीक करें। ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। भगवान, ये कौन सी विपदा हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर आई है, हमारे देश में आई है, जो दूर नहीं हो रही है। हम सभी, पूरा संसार आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए ये कहता है कि आप इस महामारी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच से भगाएं। हे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, हे आचार्य श्री श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आपके चरणों में भी हम विनती करते हैं कि आप भी हमारे समाज को इस महामारी से आशीर्वाद दे करके जल्दी से जल्दी भगवाएं। हे उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज, जो कि आप इस मंदिर के निर्माण में आपका पूरा वृद्ध हाथ हमें, हमारे सभी के ऊपर है, आपसे भी हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आप भी इन सभी आत्माओं के लिए इनको आशीर्वाद दें, और भगवान महावीर स्वामी के, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में ये विनती करें कि ये त्रासदी जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और मैं, मेरा पूरे परिवार, हमारी कमेटी संगठन भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर की, पवन जैन गोदा परिवार, आप सभी के दुख में हम साथ हैं, किसी भी कार्य के लिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में आप अपने आप को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप अपने परिवार को संभालें, आप अपने अपने बच्चों को संभालें, और भगवान महावीर स्वामी से ये प्रार्थना करें कि आगे हमारे परिवार में सभी सुख समृद्ध रहें, ठीक रहें, ऐसी विनती करके हम सभी को भावना बानी है। हम सभी लोग सभी के लिए एक बार फिर से भगवान महावीर स्वामी के चरणों में विनती करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को, जितने भी जैन समाज में, पूरे संसार में, जो भी इस कोरोना काल में जिन जो नहीं रहे हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग। हे भगवान, मैं यही कहता हूँ कि क्यों घबराए बावरे, क्यों तू रोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, ये पल पल साथ है तेरे, सुबह का निकला सूरज भी तो शाम को वो ढल जाता है, इसी तरह से जीवन में सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी, जो कि 42 वर्षों से दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज को जोड़ा, समाज के लिए क्या नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी धर्म के लिए लगा दी, देश में ही नहीं विदेशों में जाकर भी अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनको क्या श्रद्धांजलि देंगे, उनको तो हम कितनी भी श्रद्धांजलि दें शायद कम पड़ेगी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ना कभी दिन देखा, ना रात देखा, ना कोई जगह देखी, ना कोई छोटा देखा, ना कोई बड़ा देखा, सभी के लिए वो सेठी जी थे। आज उनके जाने से उनका पद, मुझे लगता है कि दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो उनके पद को संभाल लेगा। हाँ,
उनका पद खाली हुआ है। जरूर किसी ना किसी को लेना पड़ेगा, पर बंधुओं मेरा निवेदन है कि जो कल जूम की मीटिंग में जैसा हुआ ऐसा मत करना, क्योंकि अभी सेठी जी को 3 दिन भी नहीं हुए और कल हमने देखा कि आप लोग पद की बातें कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत था। श्रीमान प्रदीप जी पीएनसी आगरा वालों ने भी इसकी आलोचना की। श्रीमान बड़जात्या जी इंदौर से, उन्होंने भी यही कहा, यह बिल्कुल गलत है। वाक्यों में एक ऐसे व्यक्तित्व की श्रद्धांजलि के समय अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो वह हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज जिन्होंने पूरे विश्व के जैन समाज को जोड़ कर रखा, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, बंधुओं कोई व्यक्ति सिर्फ समय दे सकता है, कोई व्यक्ति सिर्फ तन दे सकता है, कोई व्यक्ति सिर्फ मन दे सकता है, कोई व्यक्ति सिर्फ धन दे सकता है, परंतु हमारे निर्मल कुमार जी सेठी में खास बात थी कि वो तन मन धन और समय सब चीज़ें दी। ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे करके और सदगति को वो प्राप्त करें। हम सभी लोग, पूरा दिल्ली जैन समाज, पूरा समाज, पूरा जैन समाज, पूरा विश्व का समाज शायद एक बार जो ही ये खबर सुनी थी हिल गया। बंधुओं जो आया है उसे निश्चय ही जाना है, परंतु बाबूजी के कार्यों को शायद हम अपनी इस जीवन में तो क्या 100 जीवनों के अंदर भी नहीं बुला सकते हैं। हम सबको मिलकर के उनके द्वारा बताए गए कार्यों को, जो कार्य पूरे नहीं हुए उन सभी को हम सबको मिलकर के पूरा करना है, जब ही उनकी असली श्रद्धांजलि होगी। हमें पद के लिए नहीं लड़ना है, हमें ये सोचना है कि मैं इस कार्य को बाबूजी से कम 50% करूं और इस पद को लूं। बंधुओं मैं आप सबसे यही कहता हूं कि वही व्यक्ति इस पद को ले जो बाबूजी की भावना को समझता हो, बाबूजी के लिए ये सोचता हो कि हाँ मैंने असली इस पद का निर्वाह किया है, वही इसका हकदार है, वही इस पद को लेवे। ऐसा ना हो कि आप पद ले लो और कुछ ना कर पाएं और 3 दिन तक ये बातें चले और 4th दिन सब भूल जाएं। मैं सभी से एक बार, बहुत छोटा होने के कारण आपसे ये बता रहा हूँ, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबूजी के बताए गए कदमों पर चलने वाला व्यक्तित्व ही इस कार्य को संभाले। पद के लिए कोई भी व्यक्ति इस पद को नहीं ले, अरे बाबूजी का पद तो कोई भी नहीं ले सकता है, उनका पद खाली हुआ वह आपको लेना है। इसलिए मैं पवन जैन गोधा उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर कमेटी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और वो जहाँ कहीं भी हो भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में उचित स्थान देवें और परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जय जिनेंद्र। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। यह जानकर अत्यंत गहन दुख का अनुभव हो रहा है कि हमारे क्षेत्र के जैन समाज के आधार स्तंभ श्री कमलचंद जी जैन कत्थे वाले, श्रीमती उषा जी जैन शक्तिनगर से, श्रीमती प्रकाशवती जी जैन रूपनगर से, श्री राजीव जैन सीसी कॉलोनी, श्री सुनील जी जैन शक्तिनगर से, श्रीमती दर्शन जैन शक्तिनगर से, फ़कीर चंद जी जैन शक्तिनगर से, श्रीमती संदीप जैन राणा प्रताप बाग से, संतोष जैन, श्रीमती पूनम जैन बेंगलोर रोड से, श्रीमती शशि जैन रूपनगर से, श्री आलोक जी जैन मधुबन वाले एवं श्री रविंद्र जी जैन मुखर्जी नगर से, जो हमारे क्षेत्र के जैन समाज के आधार स्तंभ रहे हैं, आज हमारा साथ छोड़कर चले गए। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन की ओर से दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं अरहंत प्रभु भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को यह आघात सहन करने की क्षमता प्रदान करे। जय महावीर। नमस्कार। आज इस महामारी में देश के अंदर चारों तरफ काल रूपी कोरोना फैल रहा है और हमारे परिजनों को लेके जा रहे हैं, आघात है अपनों के विषय में जानकर कि वो हमारे बीच में अभी है। मुझे अभी कल ही पवन गोदा जी से
सूचना मिली कि हमारे जैन परिवार में से कितने परिवार के सदस्य हमें छोड़ के चले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख की घड़ी में सुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तोभ्यं नमास्ति भुवनाति हराय नाथे, तोभ्यं नमा क्षितितला मलभूषणाय, तोभ्यं नमास्ति जगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषिणाय। आदिनाथ भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विराजमान मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। हे ज्ञानी चेतन आत्माओं, वर्तमान का जो परिवेश चल रहा है, इस वैश्विक कोरोना महामारी के कारण हमारे नवीन जिनालय संकट हरण श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के रोज के दर्शनार्थी, मंदिर निर्माण में सहयोगी, मंदिर निर्माण की नींव के आधार स्तंभ, श्रावक श्राविकाओं का हमारे बीच में से देवलोक गमन होना निश्चित ही दुखदाई है। मैं अपने परिवार की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से भगवान पार्श्वनाथ से, 24 तीर्थंकर भगवान से, गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, वंदना करता हूँ कि हे भगवान, इन दिवगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, इनके परिवार को दुख संकट सहन करने की शक्ति दें और हम सबको इनका जो सहयोग प्राप्त हुआ है, ऐसे ही इनके परिवार का वह द्रव्य फलित हो और इनकी आत्मा का कल्याण हो। हमारे बीच में से श्रीमान कमल चंद जी जैन कत्थे वालों का, श्रीमती ऊषा जैन शक्ति नगर, श्रीमती प्रकाशवती जैन, डॉक्टर श्री राजीव जैन, श्रीमान सुनील जैन, श्रीमती दर्शन जैन, श्रीमान फकीर चंद जी जैन, श्रीमती पूनम जैन बेंगलोर रोड, श्रीमती शशि जैन रूपनगर, श्रीमान रवीन जैन मुखर्जी नगर, श्रीमती ऊषा जैन ईश्वर कॉलोनी और श्रीमान विनय कुमार जैन स्वागत बनियान वाले, ऐसे सृष्टि श्रावक श्राविकाओं का जाना निश्चित ही इनकी क्षति को हम सब पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं पंडित दीपक जैन शास्त्री पूरे परिवार की तरफ से, अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद की तरफ से, स्वाध्याय सेवक संगठन की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से इन सभी दिवगत आत्माओं को नमन करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करता हूँ कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनकी आत्मा का कल्याण हो, इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। निश्चित ही ये परिवार जो हम सबसे जुड़े हैं, उन सबके साथ संकट हरण दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर कार्यकारिणी सदैव साथ खड़ी है और मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि धैर्य रखें, यह समय भी गुजर जाएगा, भगवान पार्श्वनाथ सबके संकट हरेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, सभी को जय जिनेन। जिनेन बंधुओं, मैं अजय जैन रूपनगर से। बंधुओं, ये बात तो हमें पता ही है कि मृत्यु जीवन का कठोर सत्य है। यह बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। सच तो यह है कि शरीर नश्वर है, इसे एक न एक दिन इसी मिट्टी में मिट जाना है। हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जो भी जीव आत्मा आज हमारे बीच नहीं है, प्रभु उन्हें मोक्ष प्रदान करे और उनके परिवारजनों को इस दुख भरी घड़ी में शक्ति दे कि वे खुद को, वे परिवार को संभालें और बाकी कार्य हौसलों के साथ शुरू करें ताकि जाने वाले की आत्मा को सुकून मिले। ओम शांति ओम। बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र देव की। बहुत ही दुख का विषय है कि गत दिनों में हमने अपने समाज के कई वरिष्ठ लोगों को खो दिया है। यह सब समाज के रतन थे। मैं भगवान श्री जिसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इन पूर्ण आत्माओं को अपने चरणों में जगह प्रदान करे और शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आत्मा की शांति के लिए आप लोग
नौ बार नवोकार मंत्र पढ़ें। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं मुकेश जैन पेंट वाला। जय जैन, मैं P2CC कॉलोनी से अभिषेक जैन। मैं और अपने परिवार की तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो राणा प्रताप जैन मंदिर से जुड़े हुए थे और दिन प्रतिदिन समाज के कार्यों में हमेशा अपना योगदान रखते थे। समाज में डेली मंदिर में पूजा करना और समाज में कुछ भी काम होते थे, कुछ भी कार्य होते थे, उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आज समाज ने इस महामारी के समय में बहुत अपने को खोया है जो हमेशा मंदिर में अपना योगदान देते थे, समाज के हर कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन सबके नामों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। यहाँ पे उन सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। हमारे कमल चंद बाबूजी जो सीसी कॉलोनी में कत्थे वाले हैं, इसके बाद श्रीमती उषा आंटी जी जो 10A/24 शक्ति नगर से थी, श्रीमती प्रकाशवती जैन 4/33 लूप नगर, हमारे डॉक्टर राजीव जैन जी जो CMO इंचार्ज थे NDMC में और अपने कार्यों में हमेशा दिन प्रतिदिन अपनी सेवा देते रहते थे, वहाँ पे डॉक्टर थे वो, श्री सुनील जी जैन 10A/27 शक्ति नगर, श्रीमती दर्शन जैन 13/14 शक्ति नगर, श्री फकीर चंद जी जैन 14/37 शक्ति नगर, श्रीमती संतोष जैन राणा प्रतापबाग से, श्रीमती पूनम जैन बंगलोर रोड में, श्रीमती राशि जैन 3/44 रूपनगर से, श्री आलोक जी जैन मधुबन वाले प्रीत विहार से, श्री रविंद्र जी जैन मुखर्जी नगर से, श्रीमती उषा जी जैन ईश्वर कॉलोनी से, श्री विनय जैन स्वागत बनियान वाले राणा प्रताप बाग से, श्रीमती उर्मिला जी जैन पत्नी श्री नरेश चंद जी जैन न्यू गुप्ता कॉलोनी से, श्री अनिल जी जैन SS मेटल शक्ति नगर से। मैं इन सभी लोगों को अपने और अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें, इनके परिवार को इस दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे। और समाज तो परिवार के साथ साथ समाज ने भी बहुत कुछ खोया है और इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय जिनेंद्र, मैं नितिन जैन महामंत्री श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति शक्ति नगर दिल्ली से। आज संपूर्ण विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण हमारे जैन समाज शक्ति नगर प्रतापबाग सीसी कॉलोनी कमला नगर रूपनगर में पिछले 5 दिनों में लगभग 10 परिवारों के अंदर बहुत ही बड़ी क्षति हुई है और यह क्षति एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे समाज के बड़े बड़े स्तंभ इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे समाज के भामा शाह कहा जाने वाले श्री कमल चंद जी जैन तथ्य वाले सीसी कॉलोनी, श्रीमती उषा जैन SS मेटल 10A/24 शक्तिनगर, श्रीमती प्रकाशवती जैन 4/33 रूपनगर, श्री विनय कुमार जैन स्वागत बनियान वाले प्रतापबाग, डॉक्टर राजीव जैन सीसी कॉलोनी, श्री सुनील जैन SS मेटल 10A/27 शक्तिनगर, श्रीमती उषा जैन ईश्वर कॉलोनी, श्रीमती दर्शन जैन 13/14 शक्तिनगर, श्री फकीर चंद जैन 14/37 शक्तिनगर, श्रीमती संतोष जैन प्रतापबाग, श्रीमती शशि जैन 3/44 रूपनगर, श्रीमती पूनम जैन जवाहरनगर, श्री आलोक जैन मधुबन वाले और श्री रविंदर जैन मुखर्जी नगर। इन 12-13 परिवारों ने लगभग अपने घर का एक अमूल्य रतन इस त्रासदी में खो दिया। मैं अपने जैन समाज शक्तिनगर और प्रतापबाग की ओर से
और अपने परिवार की ओर से दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मैसेज भेजें सिर्फ सकारात्मक मैसेज ही भेजें, नकारात्मक मैसेज कोई भी ना भेजें, इससे लोगों की इम्यूनिटी टूट जाती है। आप सभी से निवेदन, आप अपने घर में ही रहें और किसी जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। ओम नमः। मैं धर्म रूपनगर, कमला नगर, गुजरा टाउन, मुखर्जी नगर, कोविड 19 के चलते में जो भी चले गए हैं, समस्त आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें अपने चरणों में जगह दें, इस घड़ी में समस्त परिवारों को शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। हे आदरणीय, अर्पित है विनम्र भावांजलि, स्वीकार करें हम सबकी सत्सत श्रद्धांजलि स्वीकार करें, स्वीकार करें। कैसे कहूँ आप सबके विषय में, शब्दों से आप शब्द की तुलना करना बहुत ही कठिन है, पर यह भी सत्य है कि सहयोग के साथ वियोग निश्चित है। जब अंत समय आता है तो कोई भी साथ नहीं जाता है, ये जीव अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। मैं जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आत्मा जिस भी पर्याय में गई है उस आत्मा को उत्तरोत्तर उन्नति मिले। मीठी मधुर स्मृतियाँ आप सभी की कभी नहीं मिट पाएगी, आप सभी की कर्मशीलता, आप सभी की सादगी सभी को सदियों याद आएगी। बहुत ही विपत्ता की समय है हम सब पर। मैं जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी परिवारजनों को असीम समता दे कि वे जल्द से जल्द इस दुख से बाहर निकले। सभी मंच की तरफ से मैं तो यही कहूंगी, जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो जी भरकर, स्मृतियां बहुत सुखद है, उन्हें सजो कर रखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को मेरी सादर जय जिनेंद्र। बड़े ही दुख का विषय है कि कोरोना महामारी के चलते इस समय हमने हमारे समाज के, जैन समाज के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को खो दिया है, जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसे श्रीमान कमल चंद जी जैन कथे वाले, श्रीमान डॉक्टर राजीव जी जैन, श्रीमान सुनील जी जैन एसएस मेटल, श्रीमान फकीर चंद जी जैन, श्रीमान आलोक जी जैन मधुबन वाले, श्रीमान रविंद्र जी जैन मुखर्जी नगर, श्रीमान विजय जी जैन स्वागत बनियान, श्रीमान अनिल जी जैन एसएस मेटल, श्रीमती उषा जी जैन एसएस मेटल, श्रीमती प्रकाशवती जैन, श्रीमती दर्शन जी जैन, श्रीमती संतोष जी जैन राणा प्रताप बाग, श्रीमती पूनम जी जैन बंगलो रोड, श्रीमती शशि जी जैन रूपनगर, श्रीमती उषा जी जैन ईश्वर कॉलोनी, श्रीमती उर्मिला जी जैन न्यू गुप्ता कॉलोनी को मेरी ओर से, एवं श्री शंकर धर्म पारसनाथ जिनालय की ओर से और धर्म प्रभावना मंच की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिवार को और समस्त समाज को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। अनुज जैन, जैन कॉलोनी से हाथ जोड़कर सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान पारसनाथ से विनती करता हूँ, जिन परिवारों ने भी अपने प्रियजनों को खोया है उन सबको इस दुख के समय में इस दुख सहने की हिम्मत दीजिए। जय जिनेंद्र। बड़े ही दुख के समाचार मिल रहे हैं हमारे जैन समाज शक्ति नगर से। बहुत थोड़े ही अल्पकाल में 15-16 गणमान्य व्यक्तियों का और बहनों का लोक गमन हो गया है। इसमें ऐसा आघात कभी भी ना हमने देखा ना सोचा 70-71 साल की आयु में, और भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे। महावीर स्वामी से यही प्रार्थना है कि उन सबको अपने चरणों में जगह दे। जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं नवीन जनाले राणा प्रताप बाग से धर्म प्रभावना मंच की उप प्रधान बबीता जैन। आज हम सबके लिए अत्यंत दुख का विषय है कि इस भयानक महामारी के कारण हमारे बहुत से अपने हमसे बिछड़ रहे हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना बुरा वक्त आ गया है कि अपने ही अपनों के काम नहीं आ पा रहे हैं।
जो हमसे बिछड़ गए वह भी हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका इस संसार से जाना इस उनके परिवार के लिए और हमारे जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जो कि उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। अब तो ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, अब बस भी करो, हमारे गुनाहों को बख्श दो, हम पर दया करो, हम सबकी रक्षा करो। और जो दिव्य आत्माएं हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, हमसे बिछड़ चुकी हैं, उन दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दो, सदगति प्रदान करो और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करो। और हमको भी इतनी शक्ति दो कि हम सब भी इस विपदा का सामना हिम्मत से कर सकें और सबकी मदद कर सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे समाज के साथ जो संकट आया है उसको भगवान सहन करने की क्षमता दे। आज जो जिस उनके परिवार के उनके सभी दिव्यंगत आत्मियों को शांति मिले तथा उनके परिवार में हिम्मत और साहस लेने की कृपा करे, ये हमारे भगवान पर। जय जिनेंद्र। जय जैन बंधु। मैं अनुज जैन पारस चैनल के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ। बंधु, हम सबने पढ़ा है पंचम काल महादुखदायी, लेकिन इस महादुख का ऐसा कड़वा अनुभव हम सबको करना पड़ेगा, यह समझ से परे और बाहर था। कहते हैं दुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन आज हम व्यक्तिगत रूप से अपने दुख भी साझा नहीं कर पा रहे हैं। मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो जिनानम। महावीर भगवान की जय। आज हम एक ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जो कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से हर संभव प्रयास कर रहा है। इस प्रयास करते करते भी हमारे जैन समाज के हमारे कई साथी, कई महिलाएं, कई अभिभावक हमारा साथ छोड़ कर चल सकें। विडम्बना तो यह है कि ऐसी विकट परिस्थिति में न हम उनकी अंत्येष्टि में जा सकते हैं, न उनके परिवारजनों के पास जाके अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जो पिछले 15 दिनों में हमारे जैन समाज के, विशेषकर शक्ति नगर एवं उससे जुड़े इलाकों से जो लोग भी, जो भी समाज बंधु हमें छोड़ करके चले गए हैं, उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ, श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ एवं उनके परिवारजनों को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसे वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे दिगंबर जैन समाज के लौह पुरुष, महामानव, महापुरुष जो भी कहो, श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी का भी इस महामारी के कारण निधन हो गया है। वह अपने आप में एक संस्था थे और उनकी क्षति पूर्ण कर पाना लगभग असंभव ही है। उन्होंने कई अनेक कार्य किए, कई सभाओं में आपने सुना होगा, पर विशेषकर मैं एक कार्य को याद दिलाना चाहूँगा जो उन्होंने किया जैन माइनॉरिटीज़ के लिए। उन्होंने जैन समाज को माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिलाने में जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई वह वास्तव में सराहनीय है। मैं ऐसे महापुरुष को अपनी ओर से नमन करता हूँ एवं उन्होंने पूरे विश्व में जो जैन धर्म का प्रचार फहराया उसके लिए वास्तव में वह बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वह 40 साल की उम्र से ही जैन समाज के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके, जैन समाज के लिए सब कुछ अपना उन्होंने अर्पण कर दिया, इसलिए ऐसे व्यक्ति की कमी होना वास्तव में असंभव है। और जो समाज के वरिष्ठ लोग, जो लोग हमें छोड़ के चले गए, उनका मैं नाम क्रमशः बोलना चाहूँगा। सबसे पहले लाला कमलचंद जी जैन, कत्थे वाले, सीसी कॉलोनी। इनका योगदान हर संस्था में, हर जगह, दिगंबर जैन सभा, चाहे गुड़ मंदिर, कोई भी मंदिर हो, कहीं भी हो, हर समय लाला जी आगे रहते थे। ये भी हमारे बीच से चले गए हैं। साथ ही श्रीमती उषा जैन शक्ति नगर, श्रीमती प्रकाशवती जैन रूपनगर, डॉक्टर राजीव जैन सीसी कॉलोनी, श्री सुनील जी जैन शक्ति नगर, श्रीमती दर्शन जैन शक्ति नगर, श्री फकीर चंद जी जैन शक्ति नगर, श्रीमती संतोष जैन राणा प्रताप बाग,
श्रीमती पूनम जैन बंगलोर रोड, श्रीमती शशि जैन रूपनगर, श्री आलोक जी जैन मधुवन वाले प्रीतिया, श्री रविंदर जी जैन मुखर्जी नगर, श्रीमती उषा जी जैन ईश्वर कॉलोनी, श्री विनय जैन स्वागत बनियान वाले प्रताप बाग, श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री नरेश जी जैन न्यू गुप्ता कॉलोनी, श्री अनिल जी जैन एसएस मेटल शक्ति नगर, और अभी हाल में ही जो हमारे श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी कैलाश जी जैन राणा प्रताप बाग, यह नाम मुझे अभी तक की जानकारी में मिले हैं। इसके अलावा भी और कोई नाम हो सकते हैं। उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ एवं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन्हें अपने चरणों में उच्च स्थान दे। इन सभी के परिवार वालों को, पूरे समाज को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी वीर प्रभु से कामना करता हूँ। साथ ही अभी भी हमारे कई मित्र, कई समाज बंधु इस बीमारी से जूझ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इस बीमारी से पूरी दुनिया को भगवान जल्द से जल्द निजात दिलाए, दूर करे, यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोरोना सुनामी ने एक भयावह रूप ले लिया है। हर क्षण किसी न किसी प्रियजन का असंक्रमण या आहत होने की ही खबर प्राप्त हो रही है। ऐसे में हमारे जैन समाज ने भी अनेकों रत्नों को खो दिया है। मेरी जिनेंद्र देव से यही विनती है कि सभी दिवंगतों को सदगति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को और हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज पूरा संसार एक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमारे देश पर एक महाविपत्ति आई है। उसमें दिल्ली जैन समाज के वरिष्ठ, सेवाभावी, कर्तव्यनिष्ठ सभी एक एक कर इस नश्वर संसार से विदा हो रहे हैं। हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। उन सभी पुण्य आत्माओं के गुणों का वर्णन यहाँ शब्दों से नहीं किया जा सकता। अपने धर्म की मान्यता अनुसार जो प्राणी इस संसार में आया है, उसे अपना आयुष कर्म पूर्ण कर इस नश्वर संसार से विदा हो जाना है। हम सभी को यही मानकर संतोष करना पड़ेगा, यद्यपि इस संसार से विदा होना परिवार ही नहीं जैन समाज की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। सभी की अनुपस्थित का गहरा घाव कभी नहीं भर पाएगा। मैं अपने परिवार की ओर से उन सभी आत्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा वीर प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में उच्च स्थान प्रदान करें तथा परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। जय जिनेंद्र बंधुओं, हमने 10 से 15 दिनों के अंदर अपने कई भाई बहनों को खोया है। मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने चरणों में उनको जगह दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुकेश जैन, कमला नगर, दिल्ली। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस कोरोना महाकाल में आज हमारे समाज के दिवंगत भव्य आत्माओं को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ और वीर प्रभु से यही कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, और मैं अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से भी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस कोरोना महाकाल में हमारे परिवार को भी एक बहुत बड़ा क्षति पहुंची है। हमारी चाची जी श्रीमती पूनम जैन, जो कि कमला नगर में रहती थी, वो भी इस काल का ग्रास बन गई। मैं उनको चरणों में भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर जैनेन्द्र। मेरा नाम विकास जैन है, हम रूपनगर निवासी हैं। हमारी दादी माँ श्रीमती प्रकाशवती जैन का आत्मिक निधन हो गया है और उनको उत्तम गति मिली है, मुझे विश्वास है, वो स्वर्गलोक में गई हैं। वो पूरा भरा पूरा परिवार हम सबको, पोते पड़पोतों को, मैं उनका पोता हूँ, पूरा परिवार को जो है हमारे बीच में जो है छोड़ के गई हैं और उनका पूरा जीवन धन्य रहा, ऐसी ही हमारी दादी माँ श्रीमती प्रकाशवती जैन को मैं प्रणाम करता हूँ। शत शत नमन। मेरी माता जी का देहांत पूर्णमासी को
हो गया है। श्रीमती प्रकाशवती जैन मेरी माता जी का नाम, उनका देहांत हो गया है। वो भरे पूरे परिवार अपने पड़पोते तक की श्रद्धा सुमन लेकर गई हैं। उनकी आत्मा को भगवान अपने शरणों में ले, यही मनोकामना हम सब। पापा आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वी मिस यू ऑल ऑफ यू, दादी पापा और ताऊजी। पापा अब मुझे क्यों छोड़कर चले गए, इतनी सारी जिम्मेवारियां भी अब हमारे ऊपर पड़ गई, फिर भी पापा अब मुझे क्यों छोड़ के चले गए। पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप हमेशा अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखना और हम पर कृपा बनाए रखना। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही दुख का विषय है कि आज हमारे बीच से श्रीमान अरिहंत कुमार जी जैन शक्ति नगर वाले भी नहीं रहे। बंधुओं एक ऐसे व्यक्तित्व जो सदा मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे और जब भी मुझे मिलते थे हमेशा मुझे, आज तक उन्होंने कभी पवन जी नहीं बोला, हमेशा प्रधान जी बोलते थे, ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी यादें हमारे बीच में हैं। मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में हमारे वरुण भाई और विकास भाई वे मम्मी जी को अपना दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी बीच में हमारे बीच में संजय जी भाई जो स्टेट बैंक कॉलोनी 58 नंबर में थे वो भी नहीं रहे, उनके भी हम भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अपने चरणों में उचित स्थान दे वे। इसी बीच में श्रीमती सरोज जैन प्रताप बाग वो भी हमारे बीच में नहीं रही, भगवान महावीर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी अपने चरणों में उचित जगह दे करके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा शक्ति नगर। भूत भीषण जलोदर भार भूगना शोच्यांद शाम उपगताश्चुत जीविताशाह त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। कोरोना महामारी के आपदा काल में जैन समाज की दिवंगत भव्य आत्माओं को पारस परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता है।